विकास खंड जोगिया के ग्राम करौंदा मशिया सम्मिलित गांव कालीपुरवा में आजादी के बाद से सड़क पर निकलने के लिए कोई भी रास्ते नहीं थे। ब्लॉक प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार प्रयास करने के बाद भी इस गांव को विकास से जोड़ने में हम सभी विफल रहे। बड़ी कोशिश के बाद इस गांव को 450 मीटर सड़क मिला है, जिसका गांव के बुजुर्गों में अंगवस्त्र देते हुए गांव के रास्ते की शुरुआत किया गया, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। कुछ रास्ते अधूरे हैं, उसे भी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेश पांडे एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रयास से यह संभव हो सका है, जिससे गांव को 450 मीटर खड़ंजा दिया जा सका। अच्छा, ये आपके गांव की सड़क बन रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा है, सबको खुशी है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आप? सिया राम। कौन सा गांव है? कालीपुरा। ग्राम पंचायत कौन सा पड़ता है? किस विकास खंड में आते हैं? चाची, क्या नाम है अपना? फूलमती। कहाँ रहा अली? मसीना में। अच्छा, आपके गांव में सड़क बन रहा है, कैसा लग रहा है? एक सड़क खड़ंजा लग रहा है आपके गांव में, कैसा लग रहा है आप लोग? अरे बढ़िया लग रहा है। अच्छा, इसके पहले आप लोग कैसे जाते थे? अब सड़क बन जाएगा तो आप लोग कैसे आएंगे? अरे बाबू, इसे बहुत नरक रहा। अच्छा, बहुत चाहता लागत रहा, बाकी जब बन जाए तब तो मरो जाना बूट पहन के चली थे। अच्छा, और भी रास्ते ऐसे हैं जहाँ बनाने? पश्चिम रख पछुओ। अच्छा, उधर भी बनना चाहिए? हाँ, वो बहुत जरूरी है बाबू। है वो भी बनना चाहिए तब सही होगा। ऐसे ना रख पछुआ। ये करौंदा मशिया ग्राम सभा का एक खुला कालीपुर हुआ है। यहाँ का कहना है यहाँ के लोगों की, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर सड़कें नहीं बनी, उसमें क्या कहना है? 2015 का जब पंचायत चुनाव संपन्न हुआ और जब मैं प्रमुख बना, हमारे साथ हमारे भूपेंद्र यादव यादव पंचायत सदस्य हुए, तभी से हमारे पीछे पड़े थे कि इस कार्य को कराया। किन्हीं कारणों से पंचायत में स्वीकृति न होने के कारण और थाना अभाव के कारण मैं इस पर चाह करके भी कार्य नहीं करा पाया। फिर हमारी प्रधान जी से बात हुई कि इस तरीके की बात है और आज़ादी के बाद तक बात से आज तक इस गांव के लोगों को सड़क पर निकलने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो बरसात में बिना कीचड़ के निकल सके। प्रधान जी ने कहा इस पर मुझे आप प्रयास करिए, हम आपके साथ हैं, और इन्होंने सहयोग किया, हमने भी प्रयास किया, और खंड विकास कार्यालय भी इसमें सराहनीय योगदान किया कि हमारे एक बार खाने बदले खंड विकास अधिकारी ने फाइल बनवाई, उसको स्वीकृत किया, जिसे यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा। तो इस कार्य का धन आवंटन हो गया कि इस कार्य का धन आवंटन हो गया है? मनरेगा से कार्य हो रहा है। मनरेगा में यह नहीं है कि बजट देखा जाता है, स्वीकृति हो जाती है, कार्य हो जाता है, जब धन आता है तो उसका भुगतान। सर, कितना कई मीटर, कितना मीटर लंबा है और क्या? 450 मीटर। गाँव के प्रधान हैं, आज ये काम जो शुरू हुआ है, यहाँ के लोगों के चेहरे खिलते हुए दिखे, तो क्या कहेंगे? ये इसके पहले भी मैं एक बार प्रधान रहा हूँ, कभी प्रयास किया, संभव नहीं हो पाया। इस बार बड़ी एजेंसियों में जिला पंचायत, विधायक निधि, सांसद निधि, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा था, संभव नहीं हो पाया। काफ़ी प्रयास किए, वहाँ से फेल होने के बाद हमारे छोटे भाई प्रभु जी कांटेनर प्रमुख जी के संपर्क में रहे, हम भी प्रभु जी के संपर्क में रहे, क्षेत्र पंचायत से भी इसके लिए प्रयास किया गया पूर्ण रूप से, कि मतलब किस तरह से ये हो जाए, क्योंकि यह टोला रास्ते के अभाव में निकल पाना इनके लिए बहुत कठिन था। और हम लोग भी जब कभी पंचायत वगैरह की बात यहाँ आती थी तो एक बार तो दिल दहल जाता था कि क्या करें, कैसे जाएँ, तो ये बड़ी पीड़ा थी। फिर बाद में जब क्षेत्र पंचायत से व्यवस्था नहीं हो पाया तो हम लोग बैठ करके चर्चा किए कि किसी भी तरह से उसका जो भी रेशियो है मेंटेन करके पूरा किया जाएगा और इस कार्य को हर हाल में पूर्ण किया जाए। प्रमुख जी का विशेष योगदान इसमें रहा, आज छोटे भाई प्रभु जी भी इसमें पूर्ण रूप से तन्मयता से लगे रहे। इस तरह से जो है आज ये खुशी
हम लोग देख पा रहे हैं। आप इस क्षेत्र के BDC हैं, आपने क्या योगदान दिया है इस सड़क के बनने में? जब मैं चुनाव लड़ रहा था तभी से ही, जब मैं यहाँ से आया तो मैंने पहली बार ये कहा था कि आप यहाँ से सहयोग मिले या ना मिले, मैं ये रूट बनवा के रहूँगा। मैंने तभी कहा था, कई बार फाइलें बनने का किताब क्षेत्र पंचायत में भेजी गई लेकिन फाइलें पास नहीं हुई, तो माननीय प्रमुख जी का सहयोग रहा, माननीय प्रधान जी का सहयोग रहा, आज ये कार्य संभव हो पाया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया भर के, छीटा कसी भी किए हैं, लेकिन मैं बता दूं आपके बीरसेन जी के पिताजी के समय से इस गांव में प्रधानी रही है, तब से ग्राम सभा के विभिन्न विभिन्न प्रधान जो भी हुए अब सभी ने ग्राम सभा के लिए कुछ ना कुछ दिया। सही ग्राम से संतराम काका ने अंदर की सड़कें दी हैं, भैया ने यहाँ आंगनबाड़ी दिया है, अली मोहम्मद भैया ने भी अंदर कई सड़कें बनवाई हैं। सिर्फ ये मेन रास्ता बचा हुआ था जो हम सभी लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ, इसलिए किसी के ऊपर यहाँ कोई नहीं, जितने भी प्रधान हुए हैं सभी ने कुछ ना कुछ जरूर किया।